नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज के पायरेटेड वर्जन को नहीं रोक पा रहा है। तो लाइफ में आपने कभी भी पहला लैपटॉप चलाया होगा या फिर कंप्यूटर चलाया होगा, उसमें आपको एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार मिलता होगा, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि आप विंडोज 7 ले लीजिए, विंडोज 10 ले लीजिए या फिर विंडोज XP ले लीजिए। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी अपनी प्राइवेसी क्यों नहीं रोक पा रही है? जो माइक्रोसॉफ्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर बिकता है 8000 रुपए का, मार्केट में 300 रुपए के सीडी में अवेलेबल है और लोग उसे चलाते भी हैं। लेकिन बात ये है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी विंडोज अपनी पायरेसी क्यों नहीं रोक पा रही है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप देखते रहिए हमारा ये वीडियो और उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको पता चले कि जो लोग बोलते हैं कि भाई फ्री में विंडोज मिलता है इसलिए हम लोग विंडोज चलाते हैं, वो इसलिए नहीं चलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद चाहते हैं कि आप पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाओ। तो बात यहाँ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट चाहे तो एक झटके में सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को खत्म कर सकते हैं, बट ये करती नहीं है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि बचपन से जब हम स्कूल से निकले या फिर कॉलेज से निकले हैं, तो हर जगह हमने विंडोज ही देखा है और हर कंप्यूटर में हमें विंडोज ही मिलता है। और जितने बच्चे लोग होते हैं या फिर हम ही लोगों ने जो विंडोज सीखा है वो खुद से सीखा है। मतलब किसी ने आके हमें ट्रेन नहीं किया है इसके लिए कि हमें कंप्यूटर कैसे चलाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलाना है, कहाँ पे स्टार्ट मेन्यू होता है, कहाँ पे शटडाउन होता है, ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है। ये हमने चलाते चलाते खुद से सीखा है। सो इसी का फायदा माइक्रोसॉफ्ट उठाता है और माइक्रोसॉफ्ट यही चाहता है कि आप लोग विंडोज पूरी तरीके से सीख जाओ, आप विंडोज के एडिक्टेड हो जाओ, उसे यूज टू हो जाओ। उसके बाद जब आप दूसरे इन्वायरमेंट में जाओ, अगर कहीं आप ऑफिस में जाओ या फिर कहीं कॉलेजेस में जाओ, तो आप डिमांड करो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ही चलाने आता है और मुझे वही चाहिए। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वाले आपसे बोलेंगे कि इंटरप्राइज वर्जन आपको खरीदना होगा और इसके बदले में आपके कॉलेज वालों को लमसम अमाउंट देंगे, या फिर कॉलेज वाले पायरेटेड यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पर छापा मारकर उन पर बहुत बड़ा बिल थोप देते हैं। तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की कमाई होती है। बिल गेट्स ने एक पोस्ट करा था 1990 में और उन्होंने उस पोस्ट में लिखा था कि चाइना में हर साल 3 मिलियन कंप्यूटर्स जो है वो सोल्ड होते हैं और उसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर का पैसा नहीं देता है। तो वहाँ पर सबकी थिंकिंग यही है कि वो सॉफ्टवेयर को चुरा कर यूज कैसे करें, और इधर से माइक्रोसॉफ्ट ये बोल रहा है कि हमी ने वो अपॉर्चुनिटी जो है वो दी है कि आप उस सॉफ्टवेयर को चुरा पाओ और हमारे सॉफ्टवेयर का आदी हो जाओ। जैसे कि आप स्मोकिंग के होते हो, वैसे ही आप विंडोज के हो जाओ, ताकि आप कहीं और जाओ तो इसके जो कॉम्पिटिटर हैं मैक हैं या फिर लिनक्स हैं, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़े, कोचिंग लेनी पड़े और इसके लिए आपको खुद से पैसा खर्चा करना पड़े, तब वो चला पाओगे। और वो जो आपको बचपन से आता है, जहाँ पर भी आप काम करने जाओ, अगर वहाँ पे वही इन्वायरमेंट आपको मिल जाए तो आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। तो जहाँ पर भी आप काम करोगे, अगर वो इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर उसकी डिमांड करोगे। और हम सभी जानते हैं कि जितने लैपटॉप बन रहे हैं, जितने भी डेस्कटॉप बन रहे हैं, तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लगभग ये फ्री में चलता है। और ये कंपनी वाले खुद चाह रहे थे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोग चलाएं, सीखें, और इससे उनको फ्री में मार्केटिंग मिलेगी और फ्री में लोग उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना सीख जाएंगे और आगे जाकर के यही ऑपरेटिंग सिस्टम का डिमांड करेंगे। और जहां पर डिमांड करेंगे वहां पर माइक्रोसॉफ्ट जो है अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। तो बिल गेट्स की यही थिंकिंग ही थी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट लेते हो या फिर यूज कर रहे हो, ये सब तो आप चला लो और इसके बदले में 5-10 साल के बाद विंडोज आपसे ही पैसे ऐंठेगा। और अब आप हमें कमेंट में बताइए कि जितने भी आप लैपटॉप परचेस करते हैं, डेस्कटॉप परचेस करते हैं, और आप लोग कितने परसेंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, या फिर मुझे लगता है कि आप लोग भी पायरेटेड का ही यूज करते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि माइक्रोसॉफ्ट रोक नहीं सकता है। माइक्रोसॉफ्ट जब चाहे तब अपनी प्राइवेसी को एक बटन दबा के बंद कर सकता है, बट माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर नहीं रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो लिनक्स और भी बड़ा हो जाएगा, मैक और बड़ा हो जाएगा, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इसमें अगर लोग चले गए तो माइक्रोसॉफ्ट समझ लीजिए कि खत्म है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री के चलते मार्केट में पकड़ बनाकर रखी है। सो 9 और 10 क्लास के बच्चे ये तो जानते हैं कि हम लोग विंडोज कैसे चलाते हैं, लेकिन आज अगर उनको उबंटू दे दो, सेंट ओएस दे दो या फिर लिनक्स का कोई भी वर्जन दे दो, तो वो इस पे काम नहीं कर पाएंगे और घूम फिर कर वो माइक्रोसॉफ्ट पर ही आ जाएगा। और इसी सब चीज का फायदा बिल गेट्स उठा रहा है और उठाता ही रहेगा, क्योंकि हम लोग भी अपने स्कूल में माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करते हैं, विंडोज ही सीखते हैं, वहाँ पर भी हमें कोई लिनक्स नहीं सिखाता है। और हम लोग घर में लिनक्स इसलिए भी नहीं चलाते हैं क्योंकि हमको तो आता ही नहीं है।
तो जो चीज हमें आता नहीं है उसे हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल क्यों करेंगे। इसलिए आज भी पायरेसी बहुत अच्छे तरीके से फूल फल रही है। और इसी तरीके से विंडोज का आप कोई भी वर्जन ले लो, जितने भी लैपटॉप हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, और इसमें से 2-3% ऐसे होंगे जो कि पैसा देकर के ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस करते हैं, बाकी तो लोग सब फ्री वाले ही यूज कर रहे हैं। और ये खुद माइक्रोसॉफ्ट भी चाह रहा है कि उनके प्रोडक्ट को लोग फ्री में चलाएं और सीखें और सबको विंडोज का आदत हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी पता चल सके कि क्या चक्कर है विंडोज़ का। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरीके के लेटेस्ट और टेक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।